बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। आज की वीडियो डिफरेंट स्पॉट्स की है, डिफरेंट जगहों पे क्या डेवलपमेंट हो रही है उसकी अपडेट इस वीडियो में पेश की जा रही है। साथ ही मुझसे मुख्तलिफ जगहों के बारे में पता कर रहे थे कि प्याला होटल पे क्या हो रहा है, ज़ियाउद्दीन पे क्या हो रहा है, चूना डिपो पे क्या हो रहा है। तो मैंने आई है जिसमें इन सब जगहों की क्लिप्स ली हैं और आपको ताज़ा तरीन अपडेट कर रहे हैं। ये वीडियो क्लिप्स है प्याला होटल की और यहाँ पे आप देख सकते हैं सफाई का काम भी साथ साथ चल रहा है, कचरा काफ़ी जमा हुआ हुआ है नाले पे और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस तमाम गंदगी की सफाई की जा सके। वक्त हम प्याला होटल पे मौजूद हैं और हम यहाँ से आपको अपडेट दे रहे हैं। ये भी लोग पूछ रहे थे कि ये होटल टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो इस पर भी मार्किंग हुई हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब देखना ये है कि क्या टूटता है और क्या बचता है, ये तो कुछ अर्से में यकीनन सामने आ जाएगा। जहाँ पे ये सब रिक्शे खड़े हुए हैं, यहाँ पे पहले कुछ इंक्रोचमेंट हुआ हुआ था, घर वर बने हुए थे जिनको तोड़ दिया गया, लेकिन उनको तोड़ने के बाद सफाई तो हो गई, लेकिन यहाँ पे अब रिक्शों ने अपनी इंक्रोचमेंट कर ली है। तो ये होता है हमारे यहाँ कि एक चीज़ साफ़ की जाती है तो दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। तो प्याला होटल के अतराफ़ के ये मनाजिर हैं। अब हम आपको दूसरी जगह के मनाजिर दिखाते हैं नेक्स्ट क्लिप में। और ये है लियाकताबाद, लियाकताबाद में भी काम जारी है अभी इंक्रोचमेंट का। ये गुजर नाला है जो कि गुजर रहा है, यहाँ पे सीधे हाथ पे खामोश कॉलोनी है और उल्टे हाथ पे लियाकताबाद सी एरिया है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ पे भी अभी चल रही है और ये चूना डिपो का हिस्सा है जो कि मुकम्मल तौर पे क्लियर कराया जा चुका है। सुपरमार्केट थाना भी यहाँ पे वाक़ है। कचरा चुनने वालों के यहाँ पे अब बहुतात हो गई है कि सरियों की मांग बहुत बढ़ गई है यहाँ पे, तो जो बिल्डिंग के मटीरियल देर से टूटते हैं सरिये निकाल निकाल के ये लोग ले जाते हैं। भारी मशीनरी हर तरफ यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही है जो कि जगह को तोड़ने के साथ साथ क्लियर भी कर रही है। ये खामोश कॉलोनी के मुख्तलिफ घर हैं जिनको मस्मार किया गया है। सरकार के मुताबिक ये सब सरकारी ज़मीन पे बने हुए थे, लेकिन मोहल्ले के लोगों के कहने के मुताबिक ये सब कब्रिस्तान थे। खामोश कॉलोनी का कब्रिस्तान था ये जिसके ऊपर घर बना दिए गए थे। ये लियाकताबाद सुपरमार्केट सी एरिया का पोर्शन है और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव रमज़ान में भी यहाँ पे चल रही है। अपडेट देने का मकसद मुख्तलिफ जगहों की से यह है कि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर, मेरे साथी, मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि किन किन इलाकों में क्या क्या हो रहा है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ जगहों की छोटी छोटी क्लिप्स आपको अपडेट दे सकूं और बता सकूं कि यहाँ पे इस वक्त क्या क्या कार्रवाई चल रही है। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास जो इंक्रोचमेंट है उसके बारे में भी बहुत से लोग सवाल कर रहे थे। तो ये देखिए, इस अभी यहाँ पर काम नहीं हुआ है, इस पोर्शन पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे अभी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि मशीनें आ गई हैं। और ये दूसरी जानिब का मंज़र है, यहाँ पे किसी हद तक कुछ थोड़ा बहुत तोड़ा गया है, लेकिन अभी काफ़ी काम बाकी है यहाँ पर। तो जो दोस्त मेरे ज़ियाउद्दीन के बारे में अपडेट जानना चाहते थे उनके लिए ये अपडेट्स हैं। इस ब्रिज की रेलिंग भी नहीं है जो कि यकीनन किसी हादसे का सबब बन सकती है। और ये हैं वो मशीनें जो ज़ियाउद्दीन पहुंचा दी गई हैं, किसी भी वक्त यहाँ पे काम शुरू कर दिया जाएगा। दो मशीनें अभी यहाँ पर आई हैं और यकीनन जैसे ही काम शुरू होगा तो मशीनों की तादाद में भी इजाफ़ा हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम।